कल से रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के ट्री हाउस में पर्यटक रात्रि विश्राम का उठा पाएंगे लुफ्त। कल होगा ट्री हाउस का लोकार्पण, हेड ऑफ फॉरेस्ट विनोद कुमार सिंघल करेंगे लोकार्पण। ये पार्ट हमारा जो फाटो इको टूरिज्म जोन है वहाँ पर एक ट्री हाउस बनाया गया है, और वो ट्री हाउस ऐसा है कि उसमें एक अंदर ऊपर एक कमरा है, पूरी सुविधाओं के साथ लैस है। उस ट्री हाउस में जो कमरा है उसमें रात्रि विश्राम के लिए हम लोगों ने बुकिंग प्रारंभ कर दी है, और वो हमारे कल उसका जो है लोकार्पण हमारे प्रमुख वन संरक्षक महोदय हॉफ साहब उनका सिंघल साहब के द्वारा किया जा रहा है, और उसमें वहाँ पे हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री दीवान सिंह बिष्ट भी उपस्थित रहेंगे, तो और इन सारे सभी गणमान्य लोगों की उपस्थिति में कल उसका हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। ट्री हाउस को लेकर बुकिंग हुई शुरू। बता दें कि रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के अंतर्गत पड़ने वाले फाटो पर्यटन जोन में अब कल से पर्यटक ट्री हाउस में रात्रि विश्राम का लुफ्त उठा पाएंगे। कॉर्बेट के तर्ज पर ही तराई पश्चिमी के फाटो जोन में पर्यटक सफारी के साथ ही ट्री हाउस में रात्रि विश्राम का लुफ्त उठा पाएंगे। इस विषय में जानकारी देते हुए DFO प्रकाश आर्या ने बताया कि हमारे द्वारा पेड़ के ऊपर ट्री हाउस बनाया गया है, जिसमें होटल की तरह बेहद आकर्षक कमरे हैं और उस ट्री हाउस में सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। ट्री हाउस से पर्यटक प्रकृति को नजदीक से निहार सकेंगे, उसके साथ ही जंगल और जैव विविधता का लुफ्त भी उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि ट्री हाउस को एक विशालकाय पेड़ पर बनाया गया है, जिसमें लकड़ी और बांस का प्रयोग किया गया है, जिसमें सैलानी सीढ़ियां चढ़कर ट्री हाउस में जाएंगे और वन विभाग की ओर से खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि ट्री हाउस का किराया 4,000 रात्रि रखा गया है, इसमें हाउस कीपिंग और खाने पीने की व्यवस्था अतिरिक्त रहेगी। उसके चार्जेस ये है कि जो भारतीय पर्यटकों के लिए तो 4,000 रुपए पर नाइट है, और उसमें उनको गाड़ी का और अपना भोजन व्यवस्था का खर्चा अलग होगा। 800 रुपए उसके लिए हाउस कीपिंग का व्यय रखा गया है, तो टोटल 4,000 रुपए तो केवल ट्री हाउस की बुकिंग का, उसके अलावा अन्य खर्चे भी। हाँ। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारा फाटो में बने रेस्ट हाउस के दो कमरे और हैं, उन कमरों को भी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। उन दो कमरों में भी पर्यटक रात्रि विश्राम का लुफ्त उठा सकेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि भी फाटो जोन में एक ही ट्री हाउस है, इसके अलावा दो ट्री हाउस और बनाने की प्लानिंग की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हमारा रेस्ट हाउस है उसमें भी दो कमरे हैं, उन कमरों की बुकिंग भी खोल दी गई है। प्रकाश आर्य ने कहा कि फाटो के कैंपस में कुछ पुरानी चौकियां हैं, जिनको रेनोवेट कर पर्यटकों के रुकने योग्य बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद पर्यटकों के रुकने के लिए 10 कमरों की सुविधा हम चालू कर देंगे। आपको बता दें कि ट्री हाउस के लिए बुकिंग शुरू कर दी गई है, और अभी पर्यटक मैनुअल तरीके से तराई पश्चिमी के ऑफिस में ही विभाग द्वारा बनाए गए कंट्रोल रूम में आकर बुकिंग कर सकते हैं, और जल्द ये ऑनलाइन शुरू करने की व्यवस्था विभाग करने जा रहा है। उसकी बुकिंग प्राप्त होने लगी है, और बड़ा उत्साहजनक उसकी क्वेरी आ रही है, बहुत सारे लोग उसमें रुकना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम बुकिंग जो है प्रारंभ कर रहे हैं। बुकिंग उसकी हमारे यहाँ ऑफिस में ही हमने उसका एक कंट्रोल रूम बनाया है, वहीं से होगी। वो लोग जो है अभी हम लोग ऑनलाइन व्यवस्था करने जा रहे हैं, ऑनलाइन में जब तक टाइम लगता है तब तक मैनुअल यहाँ से बुकिंग होगी। हमारे लिए डेडिकेटेड हमने एक उनके लिए सेल बना दिया है, उस सेल के थ्रू लोग जो है अपना यहीं से परमिट अपना बनवाएंगे, और अपना परमिट बनवा के वहाँ जाकर विराम करेंगे। उसमें फिलहाल तो केवल अभी इस समय एक ही ट्री हाउस है, लेकिन दो ट्री हाउस और हम बनाने की प्लानिंग है, जो निकट भविष्य में वो दो और हो जाएंगे। उसके अलावा जो हमारा फाटो का रेस्ट हाउस है उसमें भी दो कमरे हैं, उन दो कमरों के लिए की भी बुकिंग खुली हुई है, और साथ में कैंपस के अंदर हमारे कुछ पुराने चौकियां हैं, उन चौकियों में भी हम जो है पर्यटकों को रुकने योग्य बना रहे हैं उनको, और डॉर्मेट्री कुछ ऐसा बना रहे हैं कि डॉर्मेट्री में लोगों को रुकने का मौका मिल जाए। तो इस तरह से हमारे लगभग कुछ दिनों बाद हम 10 कमरे तक वहाँ की व्यवस्था कर लेंगे।